बहरहाल एक और बड़ी खबर जो कि बिहार से केंद्र बिंदु बना हुआ है, बिहार नीट और नेट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में इस वक्त सवाल तो हैं, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर लगातार आपके सामने खुलासे कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है। बिहार में कैसे परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जानकारी दर्शकों को सामने आपके सामने रखी है हमने। आज टीवी 9 के खुलासे पर आरोपी छात्र के कबूलनामे से और मोहर लग गई है, कबूलनामा सामने आ गया है। तो बड़ी बात यह कि नीट का पेपर पटना में लीक हुआ, इस बात के सबूत मिल गए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ इस कबूलनामे से, जो आरोपी छात्र हैं, जो सॉल्वर हैं, उनके कबूलनामे से ये साफ हो गया। आरोपी छात्र अनुराग यादव के कबूलनामे से पेपर लीक का खुलासा हुआ है और बड़े स्तर पर खुलासा हुआ है कि कैसे बच्चों को पहले से ही प्रश्न पत्र मिल गए थे, रटवाया गया और अगले दिन पेपर दिलवाया गया। सिकंदर यादवेंतु जो किंग पिन बताया जा रहा है पटना में नीट पेपर, इसी ने ही लीक किया और ये बात कबूलनामे में जिक्र है। और नीट का पेपर लीक हुआ और अनुराग यादव ने, अभ्यर्थी ने, एक ऐसा अभ्यर्थी जो आरोपी है, कटघरे में है, इसने कबूल किया है। नीट परीक्षा की तैयारी कोटा के एलएन कोचिंग सेंटर में करता था। इस कबूलनामे के मुताबिक जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, मेरे फूफा सिकंदर यादवेंतु दानापुर में जूनियर इंजीनियर है। फूफा सिकंदर ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है। फूफा ने यह भी बताया कि वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से आया, जिसके बाद फूफा ने 4 मई की रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा। रात में नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मुझे दिए गए। रात में नीट का पेपर पढ़वाया गया और फिर रटवाया गया। परीक्षा में वही सवाल आए जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था एक रात पहले। वही प्रश्न सही परीक्षा में आए। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ा, मैंने अपना अपराध कबूल किया है। ये अनुराग यादव का कबूलनामा है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि नीट परीक्षा रद्द करो, ये अब सवाल उठ रहे हैं और 5 वजह इसकी क्या सामने आ रही हैं, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स में जो जानकारी आई है, इनकी 5 वजह क्यों ये बार बार मांग की जा रही है कि नीट परीक्षा रद्द करो। देखिए 5 वजह, पहली बड़ी वजह, आरोपी छात्र अनुराग यादव के कबूलनामे से पेपर लीक की बात साबित होती है, ये बात सबूत है इसका कबूलनामा। दूसरी बड़ी वजह, अनुराग के कबूलनामे से ये साबित हुआ कि 4 मई को पेपर लीक हो गए थे। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह, क्यों नीट परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, तीसरी बड़ी वजह अनुराग ने ये बताया, अनुराग यादव ने बताया, सेटिंग होने के बाद उसे कोटा से बुलाया गया था जब पूरी तरह से मामला सेट हो गया। चौथी बड़ी वजह, टीवी 9 ने जिस सिकंदर के बारे में बताया अनुराग ने भी उसका नाम लिया, तो सिकंदर इस मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और पांचवी बड़ी वजह, अनुराग ने ये बताया कि परीक्षा से एक रात पहले सबको क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे, ये समझाया गया था कि इसी तरह का प्रश्न पेपर आएगा और आया भी इसी तरह का पेपर। नीट पेपर लीक का एक और सबूत सामने आया है, सॉल्वर नीतीश कुमार का कबूलनामा भी आ गया है। जिस अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में सॉल्वर नीतीश कुमार का नाम लिया उसका भी कबूलनामा आ गया है। सिकंदर से 30-32 लाख रुपए मांगे थे, सिकंदर ने कहा कि हम 4-5 लड़के देंगे। बीपीएससी पेपर लीक में भी जेल जा चुका है नीतीश कुमार, जो कि ये सॉल्वर गैंग का बताया जा रहा है सदस्य, और ये अभ्यर्थी भी था, आरोपी अभ्यर्थी, जिसने कबूलनामे में सिकंदर का नाम भी लिया है।